ये जो पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट तैयार है, कम से कम 10-15 में, जो कि सारी जितनी भी 90 विधानसभा है हरियाणा की जितनी भी 90 विधानसभा है उनके नाम, और उन विधानसभाओं में आने वाले गांव, जितने भी गांव हैं, नगर हैं, जो हर विधानसभा के 90 विधानसभा के हमने पूरा डाटा तैयार किया है भाई। राम राम भाई, सारे छोटे बड़े बाण भाई ना कक्का तो का किता याना। अच्छा देखो, आज बड़े बढ़िया मुद्दे पर बात करेंगे, और आज कितने नहीं गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही, तो सारे भाई बाण जितने भी अपने गर्मी का जाप्ता रखियो भाई, लू बढ़िया चल लागनी है ये भी 2-3 दिन तक। अच्छा, और ये भी बात कर रहे हैं, या तो गर्माहट है सूरज की, हम बात करेंगे आज राजनीति गर्माहट की करी है। कल जो एक तो भाई लायक और शेयर जरूर करियो, क्योंकि है ना हर बात हर राजनीतिक क्षेत्र की जानी चाहिए। ये मुद्दा शुरू हो गया है जो 240 दिन बाद 250 दिन बाद आइडिया इलेक्शन होने हैं, विधानसभा भी और लोकसभा भी, हरियाणा में भी और सेंटर में भी। भाई जितना हो सकता ना शेयर मारते रहिए, राजनीतिक जो जितने भी राजनीतिक ग्रुप जुड़े हो रहे शेयर मारते रहिए सबका। एक आज न्यू देखेंगे के हिसाब कर रहा है राजनीति के बारे में, जो कल नतीजे आए हैं कांग्रेस ने जो बैकअप दिखाया है, बैकअप कराया है कर्नाटक के अंदर, तो क्या अलग है कि विपक्ष इस बार थोड़ा सा टफ देगा मुकाबला, या क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, इस बारे में अपने कमेंट करके राय बताते रहो साथ के साथ। अगर हरियाणा वाले कहता हुआ है मान लिया 240 दिन बाद इलेक्शन है तो के रुझान करे फिलहाल के कांग्रेस बीजेपी, या बीच में खेल बिगड़न ती या खेल संभारण ती किसी भी कह लो, राजनीतिक पार्टी कई है छोटी मोटी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस बार इलेक्शन में खुद ही हरियाणा के में, तो उसका क्या रहेगा। एक तो भाई सारे जितने भी है मेरे भाई, एक बार शेयर मार दो जितना ज्यादा उसका इस बात में शेयर मारते हो, कमेंट करके नहीं बताते रहो अब किसकी कहानी किस बड़े बिगड़ेगी, किस कौन सा ऊंट किस बड़े बैठेगा, कांग्रेस का जो हरियाणा में है वो भी विपक्ष में मजबूत नेता कौन, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा कौन रहेगा कौन नहीं, एक बार सारे जितने भी बाण भाई हैं जितने भी हैं सारे के सारे एक बार शेयर मारते रहो ग्रुपा में, जो राजनीतिक ग्रुप है एक बार बताइयो भाई कमेंट करके जरूर। और फिर ईद देखो, हमने कई दिन की मेहनत कर रखी है, ये जो पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट तैयार है कम से कम 10-15 में, जो कि सारी जितनी भी 90 विधानसभा है हरियाणा की जितनी भी 90 विधानसभा है उनके नाम, और उन विधानसभाओं में आने वाले गांव, जितने भी गांव हैं, नगर हैं, जो हर विधानसभा के 90 विधानसभा के हमने पूरा डाटा तैयार किया है। तो इस बात पर हमें लिखड़ा ना लिखड़ा भरने न घूमा फरा कुछ तत्व किए करें, और लोगों के जो मुद्दे हैं मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़े जा जुगुर माली में सबने देखा होगा कर्नाटक में खूब बीजेपी ने भी बने दमखम के साथ जोर लाया भाई बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, मुद्दे को डाइवर्ट करने की या डाइवर्ट नहीं करेगी के रहा। हम कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, पहली बात तो ज्ञान नहीं हमने इतना, आप लोगों से ज्यादा ज्ञान नहीं है हम लोगों को, तो जरूर जितना हो सके एक बार शेयर मार के और कमेंट करके नहीं बताओ कौन सी सरकार इनका 240 दिन बाद बैकअप दिखा सका है, बीजेपी रिपीट कर सका है या कांग्रेस कर सका है या आम आदमी पार्टी बीच में आकर त्रिशंकु मुकाबला बना सका है, क्या हो सका है एक बार बताइए जरूर कमेंट करके। जितने भी भाई और जितने भी विधानसभा के हैं सारे अपने अपने देखियो, हर एक विधानसभा में घूमेंगे मीडिया, सारी मीडिया घूमेंगे, कोई हम नहीं सब घूमेंगे, वो देखेंगे लोगों के मुद्दे के हैं, और हम तो इस बात में सब जाने हैं जो काम हाथ में ले लिया भाई काम हाथ में, हरियाणा की चाल के कहेगी अगले साल, हरियाणा की चाल क्या कहेगी अगले साल, कांग्रेस या बीजेपी दोबारा या आम आदमी पार्टी के लेवल का त्रिशंकु मुकाबला के रहेगा, कमेंट करके बताओ एक बार। मतलब जितना उसका ना शेयर मारते रहियो, जितने राजनीतिक ग्रुप हैं जितने भी राजनीतिक ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर मार दियो, क्योंकि एक बार न्यूमेरा काटेंगे अगर लोग आगे के राय कमेंट करके जरूर बताइयो। कर्नाटक की जो एक करारी हार जो बीजेपी ने देखी है, इस हार के मायने क्या होंगे और इस हार तय आगे बीजेपी में क्या होगा, और कांग्रेस ने कुछ पावर बड़ी और महसूस हुई होगी नहीं हुई होगी, या फिर जैसे कल मैंने एक वीडियो देखी थी उस बात पर जरूर गौर करियो भाई, एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी थी, एक भाई कह रहा था कि ये 3-4 जो राज्य के चुनाव है इनमें 2-3 राज्य बीजेपी जान कुछ का रहेगी, और बोला अगले साल लोकसभा चुनाव में फिर भी मैं होंगी और सेंटर में फिर वही काम होगा, वो इसलिए कोई सवाल ना उठा पावा अगर ईवीएम खराब थी अब ठीक थी, तो ये मैंने वीडियो देखी, मेरी कोई राय नहीं मैं निजी राय वो ईवीएम हैक है या नहीं है, क्योंकि ये जो कर्नाटक की जीत है वह एक तरफा कथी कांग्रेस की कथी एक तरफा भाई, 136 सीट काटी है कांग्रेस ने, तो मतलब बहुत दम खम लाया हुए दिखाया भी। अच्छा दूसरी चीज ये भी बताइयो, जो यो भारत जोड़ो यात्रा रही है राहुल गांधी की,
जितने भी मेरे भाई जानकार है आप लोग बहुत बुद्धिजीवी और जानकार हो, मैं नहीं हूं इतना, आप सब जानो, आपसे सियाणा कोई नहीं, जनता जनार्दन समझदार कोई नहीं होता है, तो आप जरूर बता सको हो तो बताइयो इस बार चुनाव में क्या रहेगा। ग्रामीण भी शहरी भी हर इलाके में हर विधानसभा में हम घूमेंगे और लोगों की राय भी लेंगे, लेकिन एक बार कमेंट करके न्यू जरूर बताइएगा आपकी विधानसभा कौन सी, आपकी विधानसभा में क्या चांस लग गए हैं, या गांव का रुझान क्या कर रहा है, या गली मोहल्ले कुचों का रुझान क्या कर रहा है, या जोड़ में लगती और बैठका का रुझान क्या कर रहा है, या चौपाड़ में खेलते उड़े ताश खेलते उड़े हमारे भैया का क्या कहना है, कौन बनेगा कौन बादशाह हरियाणा का, दोबारा रिपीट करेगी बीजेपी खट्टर सरकार, या फिर कांग्रेस सरकार कांग्रेस टक्कर देगी, या फिर त्रिशंकु मुकाबला बनेगा आम आदमी पार्टी के घोषित है, उसमें आप लोगों की राय अहम है। अब अपनी विधानसभा सब एक बार जरूर राय दियो, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइयो क्या रहेगा, कनेला भी नहीं खेजरी वीडियो में जरूर बताइए, और जितना हो सके उतना शेयर कर दियो, मेरा अलग है अगर लोग के सोचा लग रही है आगे आने वाले 240 दिनों के बाद कौन सी सरकार, तो कनेला भी वीडियो नहीं खेजते हैं, ये बने रहियो सारी अपडेट थी जिम्मेदार मीडिया पे, जय हिंद।